मैनपुरी जिले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहुंचकर प्रेस वार्ता के दौरान 138 करोड़ रुपए और 77 सौगातों का शिलान्यास किए। वहीं अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता कर सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक समय से पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जिले के अधिकारी अपने कार्यों का सही से जनता के हित के लिए कार्य करें। सरकार के द्वारा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकार की योजनाओं का लाभ पूर्ण तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए निकम्मे कर्मचारियों की वजह से सरकार को बदनाम किया जा रहा है। 138 करोड़ रुपए से अधिक लागत की यहाँ पे परियोजनाएं जो लोकार्पित और शिलान्यास की जा रही हैं, आपको यह सौंपा जा रहा है। अब स्वयं हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ साथी ने अगर मैनपुरी बाईपास की बात की है और अपने विधानसभा के जो विषय उठाया है, तो अधिकारी इसको नोट करें, बिना देरी किए वो प्रपोजल मुख्यालय पर भेजें, उसको भी हम लोग स्वीकृत करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है सुशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, उसका उत्थान, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का सम्मान,